हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने गांव के आपको अपने गांव घुमाने। और भी हम जा रहे हैं मल्लिकाखली को। गाइस जा रहे हैं, भी आपको दिखाएंगे आगे क्या बढ़िया खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। गाड़ी में बोल रहे हैं और अभी मौसम भी थोड़ा खराब है। और ये भी घर बहुत पुराना था, बारिश में लगुल लगे हैं। बहुत बढ़िया। और आप कैसे हो? अच्छे जा रहे हो? वहाँ तो कल परसों बारिश थी बहुत। मैं रिलीज़ दिन आई। और गाइस अभी हम रिलीज़ आ रहे हैं। तो बढ़ाया हम अपनी मल्लिकाखली को माने। और अभी हम अपनी मंदिर में पहुंच चुके हैं, देवता का मंदिर है। और आजकल सब जगह ये डस्टबिन का भी गांव-गांव में सब डस्टबिन लग रहे हैं। और यहाँ फल उठा के जाते हैं। और यहाँ वस्तु भंडारा हो रहा है। ये छोटे थे तब से हैं गाइस। तो ये है पूरी मंदिर था। यहाँ हम पहले से ही जब घूमते थे यहाँ तब तो बहुत ज़्यादा तो बहुत कम कर दिया है कि गाँव में लोग रहे हैं। रामलीला रामलीला मुझे मज़ा आता था जब तालीम लगती थी होती थी तो। और क्या है, कहाँ है सांप? अरे कोई बात नहीं, चलेंगे छोड़ तो। बरसात के दिन है, सांप कीड़े वगैरह निकलते रहते हैं। और ये मल्लिकाखली सामने हमारे प्रकाशदार खड़े हैं। प्रकाशदार नमस्कार, मैं परसों आया। और क्या हो रहे हैं? बस और सब बढ़िया, आप बताओ। मैं अकेले आया हूँ गाइस, हमने आपको बताया। और अभी हम यहाँ इसके अंदर जा नहीं सकते तो आपको खिड़की से दिखा देते हैं। यहाँ अंधेरा हो रहा है गाइस, तो आपको अभी साफ नहीं दिख रहा होगा। वहाँ अंदर अंधार अंधार होता है। यहाँ लकड़ी खुली रखी है गाइस। गाइस ये भी हमारे वहाँ का मंदिर, ये है नाची घांग। गाँव का सब जगहों का नज़ारा दिख सकते हैं। जाती हैं तो 22 दिन के बाद होता है, तो जो हमारे गोट की सुरक्षा के लिए, हमारे गायों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण जी का अवतार उनको माना जाता है, तो हम वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो हम लोग मंदिर है ऊपर चढ़ाई जाएंगे तो आपको हमारे जरूर दिखाएंगे। और राइस बारिश आने का मौसम है, अब धूप आ रही है। मौसम हो रहा है भी और धूप भी बहुत तेज हो रही है, मतलब काले हो गए बादल एकदम। आप दादा बैठे हो, ये है प्राचीन ऊपर वो बंद हो चुकी है, वो बोलते हैं खतरूड़ पहाड़, इसी रास्ते से आए थे। मोलतोड़ा, पिपटाना, सब कारतुली ये हर जगह पे आपको यहाँ के डस्टबिन दिखेंगे। गोड़ने हो रहा है गाइस, आजकल बुराई हो रही है या अंगूर हो रहा है। और गली है और यहाँ बरसात का मौसम होने की वजह से ना पूरा झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा है सामने, जैसे घर दिखते थे ना, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जल्दी वाकई का नज़ारा, हाँ, बारिश की वजह से